जवान फरमा दिया जेड़े वेले रात गहरी ही आ गई सैयदा फरमा दिया मैं वेखिया सकीना ने मामे हुसैन दिया लत्तां नूं जफ़ा मारिया तें निक्की जी सकीना बाबा दे कदमां च लेटी आई सैयदा ज़ैनब दौड़ के आईया फरमा दिया नी सकीना नी धीए ते की फिकर नहीं सकीना कह लगी फूफी अम्मा अबू दे सीने ते सौन आई सौ फरमाया नी सीने ते सौन वाली है अज कदमा च क्यों लेटी है कह लगी फूफी अम्मा तीरा नाल सीना छलनी हो गया है सीना किधरे नजरी नहीं आया मैं बाबा दे कदमा च लेट गई हूं सैयदा ज़ैनब चुक के खेमे वाल के जा रही हूं सकीना मुड़ के कहती है बाबा खेमे च फिर जावांगी जे वादा करो रोज सीने ते सुलौन आया करोगे इमामे अली मुकाम दी लाश तड़प गई इंशाल्लाह मरन ना ओए वीर किसे दे الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد القدر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الله رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات محرم الحرام شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آیا اور اہل سنت و جماعت نے عالم اسلام نے نباس رسول جی گرگوشہ بطول راکب دوش مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ
शहजादे कौनैन मखदूम कायनात हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह अक़दस विच अपनी अपनी अरमगाने नियाज पेश की। अस भी उस ही सिलसिले नूं जारी करके ते इमाम अली मुकाम दी बारगाह च अपनी नियाज पेश कर रहे हैं, नियाज मदियां पेश कर रहे हैं। साईं कबूल फरमावन। कुरान मजीद फरकान हमीद दी आयत मुबारक पढ़ी। इशारे ने अज तक सुनिया कि इमाम हुसैन ने नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़िया, सजदा जमीन ते कीता, कुरान नेज़े दी नोक ते पढ़िया। ग्रामी कदर हजरात, असी फजर दी नमाज पढ़न आईए ते जुहर तक घर चले जाने हां, असी जोहर की नमाज पढ़न आईए तो असर तक घर चले जाने, असर पढ़न आईए तो मगरिब तक घर चले जाने, असी मगरिब पढ़न आईए तो इशा तो पहले पहले घर चले जाने। ओदी कुदरत नूं मंजूर सी को एक इंज का भी साजे ते इंज का भी आवे दावे, जिहड़ा आवे पर जावे ना। करबला च हुसैन ने अर्ज की, या अल्लाह वह नमाजी मैं बनागा, मैं सजदे च अपनी जान कुरबान कर देवगा। कौन है वाली ने फरमा, जरा जिस हालत दुनिया तू जाएगा कयामत उस हालत उठेगा। सुन्नी मामा दे पुत्रो, कैसा मंत्र होगा महशर के मैदान, लोग कब्र च उठनगे हुसैन सजदे च उठेगा, लोग कब्र च उठनगे मेरा हुसैन सजदे च उठेगा। इमाम अली मुकाम ने सजदे च अपनी जान अपने मालिक के सपुरद की। यजीदियां नेवदे दी नोक ते जदों आप दा सारे अकदस रखिया ना, उस वेले इमाम अली मुकाम ने कुरान मजीद दियां जिहड़ी आयात पढ़ियां, उन आयात विचों मैं इक आयत पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। अल्लाह फरमांदा कि ए ना समझिया कि जो जालिम पे करदे ने अल्लाह ओहदे तो बेखबर है। फरमाया, रब जानता जो जालिम पे कर देने, अल्लाह वेख रहा है। यजीदिया ने जुल्म दी इंतहा कर छड़ी, ते हुसैनिया ने सबर दी इंतहा कर छड़ी। ओ जुल्म करके ते गुनाह कमा दे रहे, ओ सबर करके सवाब कमा दे रहे। मैदान करबला दो किरदार सामने आए, कि यजीदी किरदार ते एक हुसैनी किरदार। यजीदी किरदार जुल्म का नाम है, बरबरीयत का नाम है। यजीदी किरदार रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दीन दी हद नूं पामाल करन दा नाम है, ते हुसैनी किरदार मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दीन दी राखियां दा नाम है। गिरामी कदर हजरात, सबका जुमातुल मुबारक नूं आप अहबाब ने इमाम अली मुकाम दी शहादत समात फरमाई। अज मेरा दिल करदा कि मैं उस शख्सियत का जिक्र करा जिन्हें वाकया करबला अपनी अखां नाल वेख के ते उम्मत नूं सुनाया। उस शख्सियत का नाम है इमाम अली मुकाम दे एक ही बेटे जिहड़े करबला तो वापस आए, उन्हां दा नाम है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अज मेरा दिल करदा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बारगाह अक़दस च अरमगान पेश करिए, ते नाले वाकया करबला तो बाद वाकया तर्ज करिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं ज़ैनुल आबिदीन इस वास्ते किया जाता है कि आप एक दिन नमाज पढ़ रहे ते शैतान सप की शक्ल लेके आया। उन्हें नमाज के दौरान कई मरतबा आप दे पांव दा अंगूठा मुबारक अपने मुंह च डाल लिया कि नमाज तोड़ देवन, मगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज नहीं तोड़ी, ते आपने बिल्कुल बड़े ध्यान ना नमाज पढ़ते रहे, खुशू ते खुजू ना नमाज पढ़ते रहे, यकसुई ना नमाज पढ़ते रहे। शैतान ने जड़े बेले तीन बार यह हरकत की थी। आपने जो सलाम फेरिया तो डंडा पकड़ के शैतान के पिछे दौड़े, शैतान दौड़दा ते नाले कहंदा ज़ैनुल आबिदीन हो, ज़ैनुल आबिदीन हो, ज़ैनुल आबिदीन हो। गिरामी कदर हजरात, उस दिन तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम ज़ैनुल आबिदीन मशहूर हो गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद भी किया जाता है, आप बीमार करबला भी किया जाता है। करबला के मैदान इब्ने साद के मुताबिक आप की उम्र तकरीबन 11 साल सी, दीगर मुहद्दिसीन ने बाद ने 13 और बाद ने 23 साल लिखी है।
ग्रामी कदर हजरात वाक़े करबला च एक ही शख्सियत इमाम अली मुकाम दे बेटियां चो बच के आई ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मैदान करबला च चुके आप बहुत बीमार सन चमड़े दे बिस्तर ते तीन दिन बेहोश रहे प्यास शिद्दत गर्मी दी भुख दी शिद्दत गमा दी शिद्दत सब कुछ बर्दाश्त किया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे दुख बर्दाश्त किए जेडे वाक़े करबला तो पहले भी सन वाक़े करबला भी सन वाक़े करबला के बाद भी सन साढ़े को दो चशमदीद गवाह ने वाक़े करबला दे एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गिरामी कदर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐसे ज़ैनुल आबिदीन ने आबिदीन दी ज़ैन आबिदीन दा हुस्न के इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दिन नमाज पढ़ रहे अचानक घर नूं अग लग गई सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया ते लोग अग बुझा रहे ते आप नमाज पढ़ी जा रहे लोग नाले अग बुझांदे नाले आवाजा दे के कहंदे ने या इब्ने रसूलुल्लाह या इब्ने रसूलुल्लाह या इब्ने रसूलुल्लाह ऐ रसूलुल्लाह दे बेटे ऐ रसूलुल्लाह दे बेटे ऐ रसूलुल्लाह दे बेटे मगर आपने ध्यान किया ही नहीं नमाज पढ़ते रहे जद सलाम फेरिया आपने घर की छत वाल वेख्या फरमाया एक घर नूं की होया है लोग आख्या हजूर अग लग गई असा बुझाई ते बड़िया वादा दित्तियां तुसां सुने नहीं ते आप मुस्कुरा के फरमान लगे जब तुसी ए अग पे बुझांदे सो मैं दोज़ख दी अग पे बुझांदा सा मैं दोज़ख दी अग बुझा रहा सा ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा जे सुभान अल्लाह और ऊंचा बोलो कोई जोर नहीं लगा रहे तुसी जोर लगा के मैं बुढ़ा हो गया तो तकरीर सुना सुना वो बेली मेरा तस्वीर खिंच दिया मैंने कह दिया साहब दुआ करो तुम बुढ़े ना होवो असी तुहानू बुढ़ा नहीं वेख सकते तो मैं आख्या भाई हूँ तो हो गया हूँ तो अलहमदुल्ला अल्लाह करीम दे फजल नाल उम्र गुजर गई साइया दे नाम जपदे हैं अलहमदुल्ला जगराते सफर इंसान नू बुढ़ा कर देंदे मगर तुसा सुभान अल्लाह रोंद वाली फरमाइए मैं तकरीरां सुना सुना बुढ़ा हो गया पर तुसी सुभान अल्लाह जे नहीं मेरे वाली आखदे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह चलिए मदीने हाथ अपना भी चुकना ते नाल दे दा भी चुकना ते उच्चा बोलना सुभान अल्लाह या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले पांच वक्त दा नमाजी हो जावे जेड़ा इस तो उच्चा बोले सगीरा कबीरा गुनाह माफ हो जावन जेड़ा इस तो उच्चा बोले अपनी अम्मी नो अम्मी जी ते अबू नो अबू जी कह के बुलावे करे जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते ख्वाब च इमाम हुसैन दी ज़ियारत नसीब हो जाए माशाल्लाह माशाल्लाह नौजवान इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पे पढ़ दे ने आप दे बेटे हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला नो आप बचपन च रेड़दियां रेड़दियां कुएं च जाके डिग पए इमाम बाकर दी अम्मी जान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी बीवी शोर मचांदियां ने अर्द करदियां ने या रसूलुल्लाह दे बेटे पुत्र कुएं च गिर गया जे पुत्र कुएं च गिर गया जे पुत्र कुएं च गिर गया जे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़दे रहे जदू सलाम फेरिया ते बीवी नू फरमान लगे शोर क्यों कर रही है कह लगी मैं अर्द कर दी सा इमाम मुहम्मद बाकर कुएं च गिर गए ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुएं के किनारे खड़े हो गए अपने पुत्र नु कुएं चो निकाल लिया मां वेख हैरान रह गई इमाम मुहम्मद बाकर दा लू भी गिला नहीं होया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीवी नु फरमान लगे कि तेरी सुन लैंदा घाटा पै जाना सी मैं सौदा ही ओदे नाल पिया करदा सा जेड़ा सारे बोलो अख दी ठंडक दिल दा चैन हाथ नहीं सारे चुके अख दी ठंडक दिल दा चैन खाना बनवाया जंगल च दस्तरखान लगवा के आप सारे कठे होके खाना पे खांदे ने जंगल का जानवर हिरनी गुजरी
इमामे जानो लाबेदीन ने फरमाया जा साडे नाल बैठ के खाना खा ले। यर्मिया के आप दे करीब बैठ गई, हिरना दा टोला आके भी बैठ गया। इमामे जानो लाबेदीन ना हिरनिया दे नाल गल्लां पे कर देने। दोस्तां ने आख्या अल्लाह जी पाला सुनिया सी अल्लाह दे नबी सुलेमान अलै सलाम जानवरां दी बोली समझ दे सन। अर्द की दिला जी पाला इना हिरनिया दी बोली तुहानु किवें आउंदी है? हस के फरमान लगे तुसी ते हिरनिया दी गल करदे हो ना उस मुहम्मद दा दुतरा जेड़े पत्थरां नाल गल्लां करदे रे। सारी जिंदगी गुजारी मदीना ते या बाद गुजारी ना ते सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पीता। किसी एक दिन अर्ज की हजूर ठंडा पानी क्यों नहीं पीते? तो लोग फरमाया ठंडा पानी वेखा ते अबू याद आते, बाबा याद आते। जिन्ना वाकया करबला अखा नाल वेख्या सी ना, अज 1500 साल बाद कोई खतीब वाकया करबला सुनावे तो लोगों दी चीखा निकल दी। सोचो जेड़ा ज़ैनुल आबिदीन अखी वेख्या सारा वाकया। हजरत उम्मे फरवा इमाम कासिम दी अम्मी जान हजरत इमाम हसन दी बीवी वाकया करबला तो बाद सारी जिंदगी किसे दरख्त दी छावे नहीं बैठी। गर्मी विच भी धुप्पे बैठ दिया सर। किसे अर्ज की थी हुजूर तुसी सैयदा क्यों नहीं छावे बैठ दिया? फरमा दिया छावे खां ते कासिम याद आउंदा है। धुप्पे शहीद हो जा उन्हें मामा ने ठंडे पानी पीने छोड़ देते, उन्हें मामा ने छावे बहना छोड़ दिता। जिन्ना वाकया करबला अपनी अखा नाल वेख्या से गिरामी कदर हजरात इको वाकया करबला जिहड़ा इमाम हुसैन ने वेख्या। पर अज मैं वह वाकया करबला सुनावा लगा जिहड़ा इमाम अली मुकाम के बाद आपके पुत्र ज़ैनुल आबिदीन ते सैयद ज़ैनब ने वेख्या। इमाम अली मुकाम की शहादत के बाद यजीदिया ने कई घोड़े सवार इमाम अली मुकाम की लाश मुबारक से दौड़ा दिते। उन्हें घोड़े ने अपने पैरों के टापा के नाल इमाम अली मुकाम के जिसम दी हड्डियां मुबारक भी तोड़ दित्तियां। इमाम अली मुकाम का सरे अकदस जो शिमर के खौली ने उतारिया ना तो सरे अकदस नेजे की नोक से रख के एक दूसरे वाल सट देने। ग्रामी कदर हजरात कितने जख्म लगे सन? को कहंदा 72, कोई कहंदा 82, कोई कहंदा 103, तो तुसी दसो कितने? इमाम अली रजा ने रो के फरमाया चंगी गल है जे ना ही पुछे। उन्हें अर्ज की सुनो तुसी ना दसो तो कौन दसेगा? इमामे ज़ैनुल आबिदीन दे उस शहजादे ने फरमाया मेरे दादे हुसैन नु करबला च इतने जख्म आए सन जितने कुरान दे हरफ ने। सिर्फ वो जख्म नहीं सन जेड़े नजर ही आ रहे सन, कोई जो भी जख्म सन जेड़े हुसैन दे अंदरूनी जख्म सन, वो पुत्रां दे भी जख्म, वो यार अपने भांजियां दे भी जख्म, भतीजियां दे भी जख्म, ते वीरां दे भी जख्म, मदीना छोड़न दा जख्म, उन्हों सकीना रोंदी वेख के जख्म, उन्हें अपन भैन परदादार ए दुश्मन के सपुरद के उन्होंने रख दिया छोड़ के जाद्या का दुख। गिरामी कदर हजरात इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद यजीदिया ने मेरे इमाम के खेमे अगां लगा दतिया, माल माले गनीमत समझ के लुट रहे। हजरत सैयदा सकीना खेमे के करीब खड़िया एक यजीदी दालम गुजरता गुजरता हजरत बीबी सकीना के कन्ना दियाँ बालिया खो के लै गया। हुसैन की बेटी के कन्ना च खून का फवारा निकलिया। दौड़ के सकीना हजरत सैयद ज़ैनब के खेमे में गई। तड़प जाओगे गल सुन के वाके करबला दे विच जब सकीना सैयद ज़ैनब के खेमे च रोंदियां गईं उस वेले सैयद ज़ैनब असर की नमाज पईयां पढ़दियां सन। नहीं समझे? सामने वीर की लाश के गोड़े पे दौड़दे पुत्रां दी लाशां खेमे च पईयां ने, वीरां दी लाशां उधर पईयां ने, भतीजियां दी लाशां एक साइड ते पईयां ने,
सैयदा ज़ैनब की कर रही है नमाज पे पढ़ दी है। उदा वीर तलवारा दे साए थले नमाज पढ़ गया और लाशा च बह के नमाज पे पढ़ी जाती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ने साडा काफिला मदीने तो टुरिया सी मक्के गए, मक्के तो असी करबला गए, कुर्बानियां दे के कैद होके असी कूफे गए, असी कूफे तो कैद विचों निकले ते फरमाते ने असी कैदी बन के यजीद दे दरबार मुल के शाम दमश्क विच गए। आप फरमाते ने दमश्क च यजीद दे कैद खाना च जान छुट्टी ते टुरे टुरे फिर करबला आए, आके लाशा दफन कीतियां ते 6 महीने बाद मदीने आए। ते आप फरमाते ने 6 महीने च इन्हां दुखां दे बावजूद पूरे सफर दे दौरान मैं अपनी फुफ्फो ज़ैनब दा एक तहज्जुद दी नमाज दा सजदा भी छुटदा नहीं वेख लिया। आज करबला वालेयां दा पैगाम, सैयदा ज़ैनब असर दी नमाज पढ़ ली। आपने इधर सलाम फेरिया तो सकीना कह लगी फुफी अम्मां ओ वेखो एक यजीदी मेरे कन्ना दियां वालियां उतार के लै गया है, खून दा फवारा निकलिया ना। सैयदा ज़ैनब इधर वेख्या तो एक औरत पानी दा प्याला ले आई, इंज करके प्याला कहन लगी सैयदो मेरा पानी कबूल करो। सैयदा ज़ैनब ने पहले सकीना नु सीने लगाया, थपकी दे के फरमा दिया बेटी थोड़े दे हुन होर सबर कर लै, वेख कयामत तक मेरे नाने दी उम्मत तेरे नाम दे लंगर बणदी रहेगी। सकीना थोड़े जे होर सबर कर लै। इधर औरत ने प्याला पेश किया ते कहन लगी सैयदो पानी कबूल करो। सैयदा ज़ैनब ने पानी वेखिया रो के फरमा दिया ने बीबी पानी ला जाओ। फरमादिया ने बीबी जिदा इंज दा वीर दुनिया तो प्यासा ही टुर जाए, उस बैल खुल पानी नहीं पीता जाता। और कह लगी सैयद हो मैं कोई बेगानी ते नहीं, करबला दे पहले शहीद होर दी बीवी आऊं, वो अपना खून दे के करबला च हिस्सा पा गया है। सैयदो मेरा पानी कबूल करो, मेरा करबला च हिस्सा पै जाए। सैयदा ज़ैनब पानी दा प्याला लैके नौजवान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे च आ गईयां। फरमादियां वे पुत्रा उठी यतीम हो गया है, ज़ैनुल आबिदीन दे लबां नाल प्याला लगा फरमाया फुफी अम्मा तुसा पानी पीता या नहीं पीता हो। फरमा दिया वे तू छोटा पहले तू पी लै। कह लगे फुफी अम्मा ते पहले छोटियां ही पीना है, फिर मेरी छोटी बहन सकीना नु पिला दियो। सैयदा ज़ैनब फरमादिया ने मैं प्याला सकीना दे लबां नाल लगाया। फरमादिया ने सकीना बेटी तू पानी पी लै। सकीना कह लगी फुफी अम्मा मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन नु पिला दियो। ओ गर्मी च बैठो प्यास भी लगी है, उन्हें रेत दे रेगिस्तान से अंदर 3 दिन दी प्यास, पानी दा प्याला भी आ गया। सैयद पानी नहीं पे पींदे। सैयद सकीना अर्ज कीती फुफी अम्मा मेरे वीर ज़ैनुल आबिदीन पिला दे। फरमादिया मैं लैके गई साहब, वो कहंदा पहले छोटे पीणगे फिर वड्डे पीणगे। सकीना ने प्याला फड़िया करबला दे मैदान वल दौड़ पई। सैयद ज़ैनब फरमादिया नी सकीना नी बेटी कित्थे चली मुड़ के कहन लगी फुफी अम्मा जे पहले छोटियां ही पीना है मैं असगर नू पिलान चली उते मेरे नाल भी छोटा है। सैयदा सकीना नू ठोकर लग गई, पानी दा प्याला करबला दी रेह ते डुल गया। हुसैन दी सकीना मुड़ प्यासी रह गई। फरमाते ने ताकत होंदियां जोर नहीं लाया, वो बैठे मन रजाई दुनिया तो प्यासे तुर गए, दीन दे साई जिंदाबाद।
नौजवानों सैयद ज़ैनब सकीना ने चुके अपने खेमे च ले आईया थपकी दे के फरमा लगी सकीना बेटी सबर कर सकीना पापा पापा कह के रो रही है नौजवानों इधर मगरिब की नमाज का वेला हो गया आओ मैं तुहानू दसा करबला च 10 मुहर्रम की शाम किवें गुजरी इमाम अली मुकाम के बाद और रात किवें गुजारी गई सैयद ज़ैनब फरमा दी जो मैं मगरिब की नमाज पढ़ी ना ते आ फरमा दी अचानक मैं गौर किया क्योंकि तेरे सकीना नजरी नहीं आ रही सकीना नजरी नहीं आ रही आ फरमा दी मैं कद किसी सड़े हुए खैमे च जानी हाँ कद किसी सड़े हुए खैमे च जानी हाँ पर सकीना नजरी ना ना आई ते सैयद ज़ैनब फरमा दी इधर शाह का वेला हो गया ते रात गहरी करबला के मैदान च हो गई ते आ फरमा दी मेरा दिल डोले कि मेरे हुसैन की बेटी सकीना किथे गई सकीना किथे गई औलादा वाले ओ शाम हो जाए ना ते बच्चे घर ना ना होन ते मापियां नू फिकर लग जांदियां ने ते वाकया करबला होवे ते सैयदा सकीना नू हजरत बीबी ज़ैनब ढूंढदियां होवन ते रोंदियां ने सकीना किथे गई नौजवान फरमांदियां जड़े वेले रात गहरी आ गई सैयदा ज़ैनब फरमांदियां मैं सकीना नू आवाज़ दे रही हां अचानक फरमांदियां मैनू ख्याल आया फरमांदियां मैं करबला ते मैदान वल दौड़ी लोग खले जा फट जांदा है सैयदा फरमांदियां मैं वेख्या सकीना ने इमाम हुसैन दियां लत्तां नू जफवारिया है ते निक्की जी सकीना बाबा दे कदमां च लेटी आई सैयदा ज़ैनब दौड़ के आईयां फरमा सकीना कह लगी फूफी अम्मा अबू दे सीने ते सौन आई सौ फरमाया नी सीने ते सौन वाली है अज कदमा च क्यों लेटी है कह लगी फूफी अम्मा पीरा नाल सीना छलनी हो गया है सीना किधरे नजरी नहीं आया मैं बाबा दे कदमा च लेट गई हूं सैयदा ज़ैनब चुक के खेमे वल लेके जा रही हूं सकीना मुड़ के कहती है बाबा खेमे च फिर जावांगी जे वादा करो रोज सीने ते सुलौन आया करोगे इमामे अली मुकाम दी लाश तड़प गई इंशाल्लाह मरन ना ओए वीर किसे दे तेना होन निमानिया तेना किस बैन दो वीर न खोई उस की दुनिया तो लेना नौजवान रात गुजरती जा रही 11 मुहर्रम दी रात है सैयदा ज़ैनब सकीना नु थपकी दे के सुला रही है जेड़े वेले अधी रात दा वेला होया ए लंबी रात दी छोड़े वाली ते गुजरी सै परियां दी खबर ले आवे कौन मुहम्मद ए सजना दूर गया दी ग्यारह मुहर्रम दी रात अद्धी रात दा वेला ते सैयदा ज़ैनब फरमा दिया अचानक मैनू ख्याल आया ए जंगल भी अबान कोई जानवर आके साड़ियां लाशां नू किधरे कोई बेअदबी ना कर देवे सैयदा ज़ैनब ने तलवार पकड़ी मामे हुसैन दी ते आप आईया वाके मैदाने करबला दे अंदर ते आपने सारियां लाशां इकट्ठियां कीतियां उस बीबी दा हौसला वेख एक कमैयत होवे ना घर विच ते कई दिन घर वाले डरदे रहंदे ने ओदे वेड़े च 72 लाशां दा ढेर औरत जात सिर नेदे दियां नोकां ते सामने ने हर पासे खून बिखरे सैयदा ज़ैनब पुत्रां दियां ते वीरां दियां लाशां पई इकट्ठियां कर दियां ने लाशां इकट्ठियां करके ना ते तलवार पकड़ के ते ऐसरा पैरा पईया दे दियां ने अचानक फरमा दिया मेरी निगाह उठी ते मैं वेख्या ओ दूर एक शूतर सवार आ रहा है आप पुकार के फरमा दिया वे आने वाले आ वे जरा ध्यान लावी अगे मदीने दे शेर सुते होवे नहीं अगे मदीने दे शेर सुते नहीं वो आने वाला आया तो उन्हें पूछा जी ओ ओ दो लाशां कि दियां ने रो के फरमा दिया मैं परदेसन दे पुत्रां दियां लाशां ने उन्हें पूछा ओ दो लाशां कि दियां ने फरमा दिया मेरे वीर हुसैन दे पुत्रां दियां लाशां ने उन्हें पूछा ओ कौन है जेड़ा नेदे ते कुरान पे पढ़ दे
रो के फरमा दिया मैं दुखी दवीर हुसैन है। उन्हें आख्या ओ जड़ा मदीने वाला हुसैन फरमा दिया कदे हुंदा सी मदीने वाला अपने चेहरे तो नकाब हटाया सैयदा ज़ैनब वेख के हैरान गई ते मेरा नाना कमली वाला ते नाना कमली वाले आए मेरे आका अलैहि सलाम ने उस वेले चेहरे तो नकाब हटा के फरमाया तुद गरीब दा नाना बछड़ी मैं तेरा पहरा वेखन आया आख्या उस वेले कित्थे सन नाना जदों असगर गया तरहाया नाना जान उस वेले कित्थे सो क्यों नहीं आए इम्तिहान डाढ़ा सी ना वो पास हो गए क्योंकि उन्हें ट्यूशन मुहम्मद तो पढ़ी सी ना पास हो गए एडे वे इम्तिहान चो और रात किवें गुजरी या ज़ैनब जानती है या उहदा खुदा जानता है वो बड़ी औखी रात सी नबी करीम के घर वाले ते 11 मुहर्रम की रात गुजरी तो 11 दा दिन आया ना तो ज़ालिमा यज़ीदिया इमाम हुसैन दा को ऊंट ज़बह किया ऊंट दबा करके सालन बना के ना ते सारे लश्करी आके ते खाना खावन लगे एन जदू खाने दा वेला आया ते सारा सालन खून बन गया। एक यजीदी उठ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू कोड़ा मारिया ते कोड़ा मार के कहन लगा सारी मेहनत जाया करा दिती तू सानू दसे ही नहीं तेरा ऊंट बीमार सी। फरमाया साडा ते कोई ऊंट बीमार नहीं। कह लगा सा तेरा ऊंट दबा करके सालन पकाया सुबह की मेहनत कर रहे थे दोपहर हो गई हुण खान दा वेला आया ते सारा सालन ही खून बन गया। आपने फरमाया ओ जालिमा मेरा केड़ा ऊंट दबा कीता ई। कहन लगा ओ जेड़ा ऊंटां दी कतार च पंजवें नंबर ते सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी चीख निकल गई कहंदा रोना क्यों मैं। फरमाया जालिमा उस ऊंट ते बह के मेरा वीर अकबर मदीने आया सी ते मेरा वीर अकबर मदीने आया सी। आपने फरमाया तुसा सानू जितना दबा करना सी कर लिया। फरमाया हुण रब दी कुदरत दे असूल बदल गए हुण इंज होवेगा के रब कायनात ने हुण दस्या कि हुण हुसैन दा ते कोई जानवर भी ज़बा नहीं होना हुण ज़बा उंदियां वारियां तुहाडियां आ गईयां। फरमाया साडे इम्तिहान मुक गए ते तुहाडे शुरू हो गए जे तैयारी कर लो। गिरामी कदर हजरात 11, 12, 13 मुहर्रम तक यजीदी मैदान करबला च रहे। इन्हां लांतियां ने अपनियां लाशां ते दफन कर लईयां पर इमाम हुसैन ते आप दे रूफा कादियां लाशां उंजी करबला दे मैदान च बिखरियां रहियां दफन करन दी इजाजत भी नहीं दे रहे जनाजा भी नहीं पढ़न दे रहे। लोको गरीब तो गरीब बंदा भी मर जाए ना जे चार बंदे जनाजा दा कंधा देवन ते आ जाते ने ओ यार गरीब तो गरीब भी मर जाए रात नूं दे घर लोग अफसोस करन भी आ जाते ने। ज़ैनब दे वेड़े च लाशां दा ढेर लगे आए ते कंधा देण वाला भी कोई नहीं ते उहदे नाल अफसोस करन वाला भी कोई नहीं। सैयदा ज़ैनब ने पता नहीं ओ रातां किवें गुजारियां जदों टुरे ना वाकिया करबला दे बाद जदों कैदी बना लिया गया इबने साद की आवाज आई ए हुसैन दियां बहणां नूं कैदी बना लो कैदी बना लो ज़ैनुल आबिदीन नूं कैदी बना लो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे पैरों च बेड़ियां ते हत्थां च हथ कड़ियां डालियां ना नौजवानों मैं केड़ा रंग देवां पी पी ज़ैनब तन बन के शाम वल्ले जदों चली नाले कबर रसूल दी अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन नेज़ा पकड़ा दिता गया उत्ते इमाम हुसैन दा सरे अकदम से पाप दा खून पुत्र दे चेहरे ते बैठ गया एक हाथ चूंटा दी मुहार पकड़ा दी गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कदे अपने बाप दे सर वल वेखदे ने कदे नबी दियां धीआं पिछे कैदन वेखदे ने नाले अखां च अथरों ने नौजवान 1300 दी उम्र दुख वड्डे आ गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोंदे जा रहे सैयदा ज़ैनब फरमा दियां मैं पुत्रा इन्हां ज़ालिमां नूं कह ज़रा लाशां कोलों गुज़रिया जाए जांदी वारी वीर वेख जावां जेड़े वेले इमाम हुसैन दी लाश मुबारक कोलों गुजरे सैयदा ज़ैनब दी चीख निकल गई रो के फरमा दियां वीरा उन्हें गल्लां कयामत नूं नाने खुली करांगे ना मदीने जाओ के तेरे दुखड़े नाने नूं सुनावांगी। नौजवानों जेड़े वेले काफिला टुरिया करबला दे मैदान च इमाम अली मुकाम दे पुत्र ने वेखिया एक कसाई बकरी पिया ज़बह करदा है बाजार च गुजरदिया फरमान लगे ओ कसाईया इहनूं पानी पिलाए के नहीं पिलाया
वो कहन लगा जी मैनू मसले का पता है, जानवर नु ज़बा करिए पहले पानी पिला लई दे, इन पानी भी पिलाया है पट्ठे भी पाए ने। इमामे ज़ैनुल आबिदीन फरमा देने, ओ कुफियो किते ज़ालिमो, जानवरों नु पानी पिला के ज़बा कर दे हो, सानू बेअसा ही ज़बा कर छड़िया। फरमाया सानू प्यासा ही ज़बा कर छड़िया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बाजार च गुजरे, ते कदे बाप वल वेख के रोंदे ने, ते कदे फूफो वल वेख के रोंदे। एक बाबा करीब आके कहंदा पुत्रा क्यों रोना? आपने फरमाया बाबा मेरी हालत नहीं वेखदा, मैं अजे भी ना रोवां। ते बाबा कह लगा पुत्र तू को कल्ला कैदी ते नहीं ना होया, तेरे तो पहले रब दे नबी यूसुफ भी कैदी होए सन। आपने फरमाया बाबा मेरी ते यूसुफ दी कैद च फर्क बड़ा है। कह लगा किवें? फरमाया यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाप तो बिछड़े सन, ते ओ कैद विच गए सन। आपने इरशाद फरमा पर 40 साल बाद बाप ते पुत्र दी मुलाकात हो ही गई सी। फरमाया पर मेरा बाप ते मैनूं कयामत तक जुदाइयां देखे। बाबा कह लगा रोना क्यों है पुत्रा, रो ना। मामे ज़ैनुल आबिदीन फरमा देने वब यद्दत आईना। आपने फरमा कुरान ते कहंदा यकूब दा एक यूसुफ विछड़िया, ते यकूब ने रो रो के अखा ही नबीना कर लिया, ते रो के फरमा देने ओदा एक यूसुफ विछड़िया, मेरे सारे यूसुफ भी विछड़ गए, मैं अजे भी ना रोवा, मेरे सारे यूसुफ विछड़ गए ने। नौजवानों काफिला टुरिया, मैं केड़ा केड़ा रंग देवां? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेख्या कूफे दा बाजार, यजीद ने ऐलान करा दिता कि कोठियां ते चढ़ के तमाशा वेखो। उन्हें ये नहीं दसिया कि नबी दे घर वाले ने इमाम हुसैन दी आल आ रही, नहीं। उन्हें आख्या माज़ल्ला मेरी हुकूमत दे बागी आ रहे ने, कैदी बन के आ रहे ने, कोठियां ते चढ़ जाओ ताकि लोगों को पता होवे जिहड़ा यजीद दी मुखालफत करेगा यजीद उहदा आ हाल करेगा। सैयदा ज़ैनब परदा करके ऊंट ते बैठिया ने, ते सैयदा ज़ैनब दी गोद विच हज़रत सकीना ने। हुण तवज्जो नाल गल सुणिया जी, किसी ने ना इस तरह करके ते मुट्ठी भर के ना ते छुहारे खुशक खजूर फटिया, एक खजूर आके ते सैयद ज़ैनब दी गोदी च डिग, पता नहीं किन्ने दिनों की भुखी सी सकीना। उन्हें इस तरह करके वह खजूर उठाई ते मुँह च डाली ना, ते सैयद ज़ैनब मुँह च उंगली डाल के सकीना दे खजूर कढ़ ली। खजूर सट के फरमा दिया सकीना बेटी वेखी किधरे सदका ही ना होवे, असी सैयद साढ़े ते सदका हराम है, असी सदका नहीं खाते, सारा जग साढ़े सदके ते पलदा है। थोड़ा जा काफिला अगे तुरिया ना, अचानक एक मकान चो एक माई वडेरी जी निकली, वो लाठी पे टेक दी ते कमर झुकी माई दी, ते एक हाथ दे उते रोटी दा टुकर रखे दो, ते रोटी दे टुकर सामने करके कह लगी बेटी ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब नूं कह लगी तू परदेसां लगनी है ते कैदन ते भुखी लगनी है, रोटी खा ले, हुण तड़प जाओगे। गल सुन के ओ ज़ैनब जिहदा शौहर अब्दुल्लाह बिन जाफर मदीने दा सब तो अमीर इंसान सी, जिहड़ी आ एडी वड्डी सखिया सी कि ओहदे बूहे ते हर वेले सवालियां दीआं कितारां रहिंदीआं। एक दिन इमामे हुसैन वर्गे सखी ने भी आके आख्या बहना थोड़ी सखावत करिया कर, कुछ बच्चों लई भी जोड़ के रख, ते मत्था चुम के फरमा दीआं सोहणिआ मैनूं इंज लगदा रब मैनूं दिंदा ही वंडण वास्ते। वे ओ जिहड़ी आप बड़ी वड्डी सखिया, ओदे बारगाह विच दो सुक्की रोटी दे टुकर माई लैके आई, ते कहन लगी बेटी पानी पी ले। सैयदा ज़ैनब हटा के ते फरमा दिया अम्मा सी सदका नहीं खांदे, ते वेखी किधरे सदका ही ना होवे। माई कहन लगी सदका नहीं हदिया लैके आई हां। सैयदा ज़ैनब फरमा दिया अम्मा सी मंगन वाले नहीं असी वंडन वाले हां, ते आप इना कह के टुरियां, ते माई कहन लगी बीबी तू कौन है? सैयदा ज़ैनब फरमा दिया ने अम्मा जेडे परदेसी होते कैदी उन्होंने दिया बरादरियां ते नहीं ना पूछी दिया। माई कह लगी बेटी मैं मैं नहीं पूछिया, मैंने तेरे जो मदीने वाली फातिमा नजर पई आउंदी, अजले महीनिया दे बाद जदू परदेसा च मां दी याद आई, सैयदा ज़ैनब चीख मार के रो गईया, फरमा दिया अम्मा दस तू मदीने वाली फातिमा नु किवें जान नहीं आई? कहन लगी मैं सैयदा दारा दे घर नौकरानी रही हूं, मैं उन्हां दे बर्तन धोंदी रही हूं,
फरमा दिया माँ ओ ना बेलियां देखो गल सुना दे कह लगी एक दिन मैं बर्तन बही धोंदी साऊं ते सैयदा फरमाउन लगियां बीबी किथों दे रहण वाली है मैं अर्ज की सैयदा मैं कूफे दी रहण वाली हूँ कूफे का नाम सुन के मुहम्मद ही बैठी रो पई मैं पूछया सैयदा रोंदियां क्यों फरमान लगियां बीबी कदे वेला आएगा तेरे कूफे दियां गलियां जुगी कैदियां दा काफिला गुजरेगा उन्हां नूं पानी पिला देवी जे होया ते रोटी खिला दे अज रोटी ते कोई नहीं सुखी रोटी दे टुकर ले आई हूं सैयदा दा ना फरमा दिया मां कोई होर गल सुनाओ कह लगी सैयदा दा रोदी निकी जी बेटी जानम सी लोरियां दिंदी रही हूं सैयदा रो के फरमा दिया मां तेरे वल वेख मैं ओई जनाबो आई दियां चीखा निकल गईयां कहन लगी रब्बा केड़े वेले वखाए नी नबी दियां धीयां बाजारां च खेदी बन के गुजर रहीयां जिन्हां दा नाम भी कदे किसे ने शर्मा ते हयावां दी वजह बाजारां च नहीं सी लिया ते रो के कहन लगी सैयदा मेरे लिए दुआ कर दे सैयदा जोली फैला के अर्ज कीती रब्बा इन्हें कूफे दे बाजार च सानू अपना परौना बनाया जदों मैं शरदा बाजार आवे इन्हू साडा परौना समझ के माफ कर दे भाई ने उस वेले चीख मारी ते सैयदा ज़ैनब दे कदमां च डिगी तो दी रूह परवाज़ कर गई मलक जिन्हां थी शर्मा कर दे ते रब करे बड़े आईयां कैदी बन के शाम नू चलियां ओ अली दियां छाईयां नौजवानों मौला अली इन्हां बाजारां च कूफे आए ना ते इस कूफे दे बाजार च मौला अली खलीफत रसूल बन के गुजरे ते सैयदा ज़ैनब अपने अबू ने शहजादी बन के गुजरियां सन ते लोगां ने फुल्लां दियां पत्तियां सट के इस्तकबाल कीता अज बाजार भी होवे ते ज़ैनब भी होवे पर लोग अज छुआरे ते खजूरां पे सटदे ने तरस खा के सैयदा ज़ैनब अज शहजादी नहीं अज कैतन बन के गुजर रही नौजवानों काफिला गुजरिया वक्त दी किल्लत दे पेश नजर अर्ज करा रस्ते च ना एक जंगल आया ते रात नूं इन्हां यजीदियां ने कयाम जंगल च करना सी खौली यजीद दा फौजी सी इबने साद नूं कहन लगा कि ऐ जंगल दे नाल ही मेरा गाँव है इजाजत देवे ते अज मैं रात अपने गाँव गुजारावां सफर की थकावट भी तो जाएगी मैं अपने बच्चों भी मिल आवा तो इंज करी मामी हुसैन दा सर मैनू दे दे मैं रात नूं संभाल के रखांगा इबने साद ने भी सोचा चलो इमामे हुसैन दे सर की हिफाजत हो जाएगी यजीद के दरबार तक लेके जाने उन्हें खौली नूं इमामे हुसैन दा सर अकदस दे दिता खौली जदों घर पहुंचा तो अद्धी रात का वेला सी उन्हें तंदूर का ढक्कन उठाया तो तंदूर च इमामे हुसैन दा सिर रख दिता ढक्कन बंद करके जाके कमरे च लेट गया खौली दी बीवी तहज्जुद गुजारती बड़ी इबादत गुजार तहज्जुद की नमाज पढ़न उठी तो उन्हें वेख्या कि तंदूर च छोले पे निकलते उन्हें ख्याल आया मैं ते तंदूर रात को बुझा के लिटी सी छोले क्यों निकल रहे दौड़ के आई ना उन्हें जो तंदूर का ढक्कन उठाया तो वेख्या छोले नहीं हुसैन के मथे च नूर दियां लाटां पईयां निकल दियां उन्हें वेख्या तंदूर के अंदर एक दुनिया बाद चार औरतां सिर इमामे हुसैन दा सर गोदी च रख के रो रही ते जुल्फां च रेत करबला दी ते खून साफ कर रही औरत ने वेख्या इमामे हुसैन ने दौड़ के कमरे च गई ते खौली सुता से उन्हें थप्पड़ मारिया खौली हड़बड़ा के उठिया कह लगा मैनू क्यों मारनी है कह लगी लांतिया तू ते आख्या सी मैं कम ते चलिया ते आ आ आ वेख नबी दा बाग उजाड़ के आ गया वे ए ते इमामे हुसैन ने कह लगा तू हुसैन नु किवें जाननी है कह लगी पिछले साल हज करन मक्के गई सी ते मैं वेख्या कि लोग हजरे असवद नु चुमदे ने अचानक एक सोहनी जी शक्ल वाला काबे च दाखिल होया ते लोग हजरे असवद नु छड़ के तो दे कदम चुमन लग पे मैं लोगों ने पूछया लोगो ये कौन है जिन्होंने लोग पे चुमदे ने लोग आख्या तेनों नहीं पता ए हुसैन नबी दा दोतरा है मैं पूछया दी शान की है उन्हें आख्या हजरे असवद नु नबी ने एक दो बार चुमया ए ओवे जिन्होंने नबी ने अठ साल चुमया कह लगी वे लानती है पैसे वास्ते मुहम्मद दे दोतरे नु शहीद कीते कह लगी इस हुसैन की कदर पुछनी है जा मक्के ते मदीने जाके पुछ तो लानतिया हुसैन दा एक वाल उतार के लै जांदा ना ते उन्होंने तेन हुसैन दे एक वाल दे बदले तोल तोल के सोने ते चांदी देने सन वे तू मुहम्मद दे दोतरे नु शहीद कराया खौली दी बीवी दरवाजे वल टुर पई कह लगी जा अज तो बाद मेरा तेरा रिश्ता ही कोई नहीं मैं कयामत नु तेरी बीवी बन के नहीं उठना चाहती असैयद दादारा नु की मुंह विखावांगी खौली रो के बीवी दे पिछे दौड़िया ते रस्ता रोक के कह लगा अपने बच्चों का ख्याल ते कर कह लगी तेनों हुसैन की धी सकीना का ख्याल नहीं आया
मैं तेरे बच्चों का की ख्याल करा। नौजवानों मैं किताबा च पढ़िया कि खौली की बीवी ने जाके किधरे जंगलों च डेरे ला ले, सारी जिंदगी हुसैन के नाँ दिया तस्वीरें पढ़ के उन्हें गुजार दी। गिरामी कदर खौली की ना दुनिया रही तो ना दीन रहा, घर भी बर्बाद हो गया। आओ लंबी गल नहीं करता, इबने ज़ियाद के दरबार जो इमामे अली मुकाम दा कूफे दे बाजार दे बाजार दे अंदर ते उहदे दरबार अंदर सारे अकदस पेश किया गया ना, तो इबने ज़ियाद जालिम ने अपना पैर इमामे हुसैन दे चेहरे ते रखिया, चेहरे मुकद्दस दे उत्ते पांव रख के ना ते अपने दरबारियों नूं कहण लगा कैसा है एक कैसा है तकब्बुर ते गुरूर ने इबने ज़ियाद ने आखिया। एक सहाबी रसूल बैठे सन उठ के खड़े हो गए, फरमान लगे मैं दसा कैसा है, क्या लगा दस। आपने फरमा जिथे तू पैर रखे ना इतने मैं मुहम्मद नू होंठ रख के चुमदिया वेखी, इतने मैं मुहम्मद नू होंठ रख के चेहरा चुमदा वेखी है। गिरामी कदर हजरात फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू कैदी बना के दे, इबन ज़ियाद ने आख्या इन्हों यज़ीद के दरबार च मुल्के शाम लै जाओ, किथे कूफा किथे दमश्क। पैदल सफर दोबारा शुरू हो गया, रसूलुल्लाह दियां धीयां कैदन बन के यजीद दे दरबार तक आईयां। रस्ते च की होया फिर कदे अर्ज करांगा, बस यजीद दा दरबार आया। यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे सामने इमाम अली मुकाम दे होंठां ते छड़ी मारी। एक सहाबी रसूल बैठे थे उठ के फरमान लगे ना मारो ज़ालिमा, इन्हां होंठां नूं मैं नबी नूं चुमदिया वेख्या। यजीद कहन लगा तू सहाबी ना होंद मैं तेरे टुकड़े कर देने सन, पर मैं मेरा अदब करना तो उहदा कर देने जिहड़ा मुहम्मद दे जुबान दे चूसे लैके जवान हो जाए। गिरामी कदर हजरात इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप वाल वेख के तो कह लगा तेरा अब्बा हार गया मैं जित गया, पर मैं किवें, कह लगा मैं तख्त ते बैठा, आओ वेख तेरे बाप दा सर थाल च मेरे सामने। अजान जुमा दी आवाज आई अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमान लगे अजान देने वाले तेनू मुहम्मद की कसम इत्थे चुप कर। वह चुप किया तो यजीद नूं फरमान लगे तेरे नाने का ना है कि मेरे नाने का ना है। यजीद कहन लगा नाना ते तो हाड़े, फरमा फिर तू हार गया ते हुसैन जित गया। कहन लगा क्यों, फरमाया तू चाहता सा अजान बंद हो जाए, हुसैन चाहता सी नाने दी अजान होती रहे। फरमाया तेरा मकसद हार गई ते हुसैन दा मकसद जब तक मस्जिद चो अजान दी आवाज आउंदी रहेगी तू हारे रहेगा ते हुसैन जीते ही रहेगा। कहन लगा चांदे की ओ सैयदो, आपने फरमा मेरे बाप दा कातिल मेरे हवाले कर। कह लगा दूसरी शर्त, फरमा कल जुमे का खुतबा दमिश्क दे मस्जिद च मैं देवांगा। उन्हें आख्या तीसरी शर्त, फरमा जितनी जल्दी होंदा मैनू मदीने पहुँचा दे। यजीद भी चाहता सी जल्दी जल्दी मदीने चले जान कि तेरे बगावत ना हो जाए मुल्क दे अंदर, कि मैं इमामे हुसैन शहीद किया। वो चाहता सी जल्दी जल्दी मदीने चले जान, बाकी शर्तां ते पूरियां ना कर सकिया। मगर इमामे ज़ैनुल आबिदीन नूं जिहड़े नुमान बिन बशीर दे ज़रिए सहाबी रसूल औरत आके सैयदा ज़ैनब के कदम पकड़ लेंगे तो कहती है सैयदा इमामे अली मुकाम कितने ने। नौजवान आके इमामे ज़ैनुल आबिदीन के कदम चुम के कहते साढ़े यार इमामे अली अकबर कितने ने। बच्चे आके सैयदा सकीना सलामुल्लाह ताला अली हबरदी अल्लाह ताला अनहा दे बारे बच्चियां मदीने दी आके पुछ दियां ने। गिरामी कदर हजरात सारे रो रहे, सारे दी निगाह उठी ते ओ हजरत उम्मे सलमा हुसैन दी नानी, जिन्हां नूं करबला दी मिट्टी मेरे नबी दे के फरमाया सी कि मैनूं जिब्रील ने करबला दी मिट्टी दित्ती ऐ उम्मे सलमा तैनूं मैं देवण लगा, ए शीशी संभाल के रखी जिस दिन खून बन गई समझी मेरा हुसैन शहीद हो गया। सैयदा उम्मे सलमा ने एक हाथ चो शीशी पकड़ी है, एक हाथ च हजरत बीबी सुगरा दा हाथ पकड़े ते पर्दा करके मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मेरी तेरी मां रूहानी मां उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा आ रही, हुसैन दी नानी आ रही, मदीने दे बाहर खलो के फरमा दिया हुसैन पुत्रा जल्दी मदीने आ जा, नाना याद पे कर दे, नाना पे बुला दे नहीं, जल्दी मदीने आ जा। उस वेले सैयदा ज़ैनब ते ज़ैनुल आबिदीन रो रो के मदीने वाले ने वाकया करबला सुनाया। आके रसूलुल्लाह दी कब्र ते लेट गए ते वाकया करबला सुनाया। 1500 साल बाद वाकया करबला सुन के साडा आ हाल होंदा है, ते जदों ज़ैनुल आबिदीन ने सुनाया होवेगा मदीने वाले दा की हाल होया होवेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ताला दी बारगाह च आखिर ते दुआ गो, अल्लाह तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए, उन्हां पाकां दे सदके अल्लाह साडे गुनाहां दी बख्शिश फरमाए, अल्लाह अपने महबूब करीम अलैहि सलाम दी तवज्जोहात नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दुआया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।